सो हमने क्या किया कि ये सिग्मा की वैल्यू पुट की क्यू बाई ए. अब यहाँ पर क्यू है, ए है, एप्सिलॉन नॉट है. अब ई की ये वैल्यू पुट करते हैं वी बाई डी, तो ई की जगह पुट करते हैं वी बाई डी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. अब क्यू का सी का फॉर्मूला है क्यू बाई वी, तो यहाँ पर ये सी के फॉर्मूला में हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी. यहां से v का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू d ऊपर गया तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. तो क्या हो गया, ये v यहां चला जाएगा, ये v का फॉर्मूला है, ये q डिवाइडेड बाय v, ये v का फॉर्मूला यहां लिखा क्यू डी और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट. तो q q कट हो गया तो हमारा c का फॉर्मूला आ गया क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. तो एक c का फॉर्मूला तो है q बाय v, दूसरा c का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. Done. Okay. तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है विच एज एक्सपेक्टेड डिपेंड ओनली ऑन द जियोमेट्री ऑफ द सिस्टम. क्यों, हमने बोला था, मैंने बोला ना कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है. कौन सा, एक ही बोला है अभी तक क्वेश्चन कॉम्पिटिशन पे आ सकता है वो. कौन सा, कि कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो कैपेसिटेंस ना क्यू के ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस ना ही क्यू बाई वी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता. तो किसके ऊपर करता है, जियोमेट्रिकल कंफ्यूगरेशन के ऊपर, कि उसका शेप कौन सा है, उसका साइज क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है कैपेसिटर में, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा. मतलब अब तक जो आए हैं वो उसके ऊपर ही आए हैं और इसके ऊपर से तो न्यूमेरिकल आएंगे वो जो हम प्रैक्टिस करेंगे. ओके हाँ, सो विच एज एक्सपेक्टेड डिपेंड्स, यस लाइक दैट. तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की है. देखो कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की 8.85 इनटू 10 रेस टू माइनस 12. देन ए की वैल्यू पुट की, जो हमने एरिया लिया है वो 1 ले लिया है रफली, एजम्पशन है. डी हमने लिया है कितना, 10 रेस टू माइनस 3 मीटर. 10 रेस टू माइनस 3 मीटर मतलब क्या है, ये 10 रेस टू माइनस 3 मीटर मतलब माइनस 3 मतलब अरे अभी तो लिखा था, क्या नहीं याद, वो बोलना नहीं था तो लिखना बताओ. मिली, ओके तो मिली मतलब क्या, एमएम. तो 1 mm इज इक्वल टू हो गया ना 10^-3 मीटर, मतलब एक और ये दूसरा इतने नजदीक में है कैपेसिटर, जो हमारी स्केल में आता है ना 1 cm, तो 1 cm के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं, दैट इज mm, 1 mm 1 mm. तो 1 cm इज इक्वल टू 10 mm हो जाते हैं. ओके तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, ओनली 1 mm. ओके 1 mm का डिस्टेंस है. अच्छा वो सारी वैल्यू पुट की तो सी की वैल्यू आई 8.85 इंटू 10^-9 फेराड. दिस शोज दैट 1 farad इज टू बिग. 1 farad तो बहुत बड़ा है. ओके इन प्रैक्टिस As remarked earlier, another way of seeing the bigness of 1 farad is to calculate the area of the plates needed to have 1 farad for a separation. So, अब देखो 1 mm की जगह कितना ले लिया, 1 cm. तो अभी 10^-3 था, अब कितना हो जाएगा 10^-2, क्योंकि 1 meter is equals to what, 10^-2 cm, और 1 cm is equals to 10^-2 meter. तो यहाँ पर C की वैल्यू तो 1 farad है, D का यूनिट आ गया 10^-2. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी तो 10^-9 आ गया, विच इज अ प्लेट अबाउट 30 km इन लेंथ एंड ब्रेथ. सोचो अगर 1 farad का कैपेसिटर तुम्हें बनाना है, कितने का, 1 farad का, तो वो कैपेसिटर ऐसे दो प्लेट रखोगे ना, तो वो दो प्लेट कैसी होगी, 30 km इन लेंथ. लेंथ कितनी, 30 km. हो सकता है क्या इतने बड़ा कैपेसिटर, सोचो 30 km मतलब पूरी सिटी आ गई उसमें, पूरी सिटी आ गई 30 km मतलब. ओके सो इतना बड़ा कैपेसिटर, दैट्स व्हाई बोला ना कि 1 farad वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसीलिए तो हम माइक्रो फेराड यूज करते हैं, नैनो फेराड यूज करते हैं. अंडरस्टूड. तो ये जो हमने थियरी पढ़ी उसमें बेसिकली क्या पढ़ा, दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा. अभी तक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास था क्यू बाई वी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करके हमें फॉर्मूला पता चल गया एक दूसरा फॉर्मूला. ओके ए ओके दूसरा फॉर्मूला हमें पता चल गया जो हमने डिराइव किया. ओके तो एप्सिलॉन नॉट वाला, ये वाला फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया एप्सिलॉन नॉट वाला. ओके सी का दूसरा फॉर्मूला, अरे पूरा ये अभी गिना वो कहाँ गया, ओके कहाँ गया, ये रहा. ओके सो ए एप्सिलॉन नॉट
अपॉन डी, ये एप्सिलॉन नॉट वाला दूसरा फॉर्मूला हमें पता चला, अदरवाइज हमारे पास क्या था, क्यू बाई वी। सो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, तो ये हमें पता चला, ये तो था ही, और दूसरा हमें पता चला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो पता चला कैपेसिटर, कैपेसिटर जैसे हमने स्टार्ट किया, क्या था कैपेसिटर, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, क्या करेंगे उसको, उसको चार्ज करेंगे, क्यों, इमरजेंसी में काम आएगा। अच्छा, डिफरेंस क्या है बैटरी में और उसमें, वो भी मैंने तुम्हें बताया, ये भी कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड द कैपेसिटर। तो इट इज ऑलमोस्ट सेम, ऐसा तुम बोल सकते हो, इट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, ऐसा बोल सकते हो, इट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, बट बैटरी चार्ज, फॉर द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी इट टेक्स टाइम, बट कैपेसिटर्स इन सेकेंड्स और इन मिनट्स इट विल चार्ज एंड डिस्चार्ज, मतलब से इट विल क्विकली चार्ज एंड क्विकली डिस्चार्ज। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है किसमें, कैपेसिटर और बैटरी में। तो कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस से, वो क्या है, सी देखो, एक पूरा ये जो हमने पढ़ा ना, वो पूरा नहीं पूछा जाता कि राइट शॉर्ट नॉट ऑन कैपेसिटर, नहीं पूछा जाता। ओके, कोई भी बोर्ड में कॉम्पिटिशन में नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई कैपेसिटर क्या है, बैटरी और कैपेसिटर के बीच का डिफरेंस क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। सो कैपेसिटेंस से क्या है, कैपेसिटेंस, वन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब के दैट इज इक्वल टू वन फेराड, वन फेराड इज इक्वल टू इफ यू आर चार्जिंग वन कूलम्ब चार्ज एंड योर पोटेंशियल इज इंक्रीज बाई वन वोल्ट। ओके, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू हमने ले लिया वन कूलम्ब, वी हमने ले लिया वन वोल्ट, सो वो हमें मिल जाएगा वन फेराड। सब जगह वन रख दो ना, इसकी जगह वन रख दो, इसकी जगह वन रख दो, तो यहाँ भी वन मिलेगा, वन फेराड इज इक्वल टू वन कूलम्ब अपॉन वन वोल्ट, दैट्स इट। ओके, तो ये हमें फॉर्मूला मिला, ये पूछा जा सकता है। फिर पैरेलल प्लेट कलेक्टर, तो पैरेलल प्लेट कलेक्टर में क्या मिला हमें, तो पैरेलल प्लेट कलेक्टर लिया है, सो जो प्लेट ली है उसका एरिया ए होगा, दोनों प्लेट, जो दो प्लेट ली है उसका एरिया क्या होगा, ए होगा, उनके बीच का डिस्टेंस डी होगा, तो ये रहा उनके बीच का डिस्टेंस डी, और एप्साइलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर तुम वैक्यूम ले रहे हो तो हमारा 8.85 वाला जो आएगा वो, और अगर तुमने कोई डाइइलेक्ट्रिक रखा, जैसे हमने बोला ना डाइइलेक्ट्रिक बीच में रखेंगे, अभी एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और अभी हमने क्या लिया था बीच में, कुछ नहीं, वैक्यूम लिया था, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक्स में हम देखेंगे कि बीच में हमने क्या रख दिया, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, जैसे अभी मैंने डाइइलेक्ट्रिक बताया था, तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्यों रखा, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है, वो कैसे वो हम देखेंगे। ओके, तो वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो यहां पर अभी नहीं रखा है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, तो विदाउट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम उसका फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसके बेस पे एक एक मार्क के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल वैसे है, सो दैट न्यूमेरिकल वी विल डू। समझ में आया? ओके, yeah. okay? yeah.